आजकल लगने लग चुका है, मेरे साथ स्कैम हो गया है। लेट्स सी अब इसमें से चीज़ क्या निकलती है यार। पर एक चीज़ की मुझे यहाँ पर अभी अभी समझ आ चुकी है कि यहाँ से आप इसको मोबाइल अटैच करेंगे, मोबाइल अटैच करने के साथ आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। बस ये चीज़ मुझे यहाँ पर इसकी समझ आ रही है। 300 में ऑर्डर किया था और ये जो है ये 1500 में है। अल्लाह ही जाने मैंने क्यों ऑर्डर किया, बट कर लिया है। तो पाकिस्तान की रवायत रही है कि कुछ चीज़ महंगी हो जाए तो पुराने स्टॉक को अरबों के दाम बेचते हैं। आज की वीडियो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली टिकटॉक पे आई थिंक मैं स्क्रॉल आउट कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक इस तरह की चीज़ दिखाई दी जो कि यार मुझे पर्सनली भी यूज टू है, तो मैंने वो ऑर्डर भी की। और साथ में यही बताया क्योंकि ना आपको भी साथ बता दिया जाए यार कि रिसेंटली ऑर्डर जो मैंने किया है सच में ये चीज़ ऐसी है भी है, क्योंकि यार काफ़ी एक्सपेंसिव है। और उस एक्सपेंस के मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उस चीज़ के लिहाज से ना उसकी प्राइस काफ़ी हाई थी। दैट्स वाई NOC कोई पाकिस्तान ऐसी कोई वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। तो वेबसाइट नहीं मतलब टिकटॉक पे उनका ऐड था, तो वहाँ से मैंने किया। तो बाद में मुझे NOC पाकिस्तान का इस से मैसेज आया कि मतलब कि इनकी वेबसाइट ही हो सकती है, तो इनकी वेबसाइट अगर हुई तो मैं साथ चला भी दूँगा ताकि आपको पता चल जाए। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो ज़ाया नहीं करते टाइम, डायरेक्टली अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पार्सल है, अभी तक इसको मैंने अनबॉक्स नहीं किया। तो यहाँ पर जो हमारा पार्सल है ना, यहाँ पर पार्सल की बैक पे जो है TCS का कुरियर सर्विस आ रहा है, तो उसको उतारते हैं। इसके नीचे एक और कुछ चिपका हुआ है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर NOC पाकिस्तान, पावर्ड बाई ट्रस्ट पाकिस्तान। तो बेसिकली आई थिंक तो ये एक वेबसाइट ही है, अगर इसकी वेबसाइट हुई तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, सिटी आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आ रहा है। तो 1500 अमाउंट यहाँ पर हमारी आ चुकी है एंड यहाँ पर हमारे पार्सल है। तो चस्का वगैरह कोई नहीं, सिंपल सा एक इन्होंने पार्सल किया हुआ है और आई थिंक तो पैकिंग भी इनकी अपनी ही मुझे लग रही है। यहाँ पर इन्होंने जस्ट यहाँ पर चिपकाया है, तो कहीं और से इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें मोबाइल का जो यार देख के ही ना मुझे लोकल लगने लग चुका है, मेरे साथ स्कैम हो गया है। तो लेट्स सी अब इसमें से चीज़ क्या निकलती है यार। ओके यार जो मैंने ऑर्डर किया सच में वही चीज़ हो, नहीं तो मेरे 1500 जो है ना वो गायब हो गए। ये इसकी पैकिंग है, कार होल्डर की ऊपर बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। अगर ये वाला निकल आए तो यार ये तो मेरे से बड़े वाला स्कैम हो गया है। तो होप्स हो कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होगा। अब इसे ओपन कर दिया यार, मेरा दिल जो है ना अभी क्योंकि मैंने इस पर पैसा लगाया है ना, तो अब कुछ ऐसे ऐसे करें। तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें गिवन दी है, क्लिप दिया गया है, साथ में यहाँ पर इनकी पिक्चर्स दिए गए, यहाँ पर कलर्स का बताया गया है और स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग, बस यही चीज़ बताया गया, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं दिया गया यार। तो इसे ओपन करते हैं, होप्स हो कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो। अनदर पैकिंग एंड अब हमारी ये प्रोडक्ट्स आ चुकी है। क्वालिटी वाइज यार अगर इसको देखें तो आई थिंक सो नॉट बैड यार, अच्छी है, बुरे इतनी प्रोडक्ट बुरी भी नहीं है। अच्छा इसको आप यहाँ से पकड़ सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर मोबाइल कट करके दोबारा इन्हें खींचेंगे आई थिंक से, या क्या करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे बिहाइंड पे फ़ैन हो, लेकिन फ़ैन वगैरह ये कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप इसको अटैच कर सकते हैं अपने मिरर से, अपने गाड़ी पे या बाइक पे जहाँ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे इसको आप चिपका भी सकते हैं यार, मतलब कि बाइक के लिए हैंडल, यहाँ पर आप जो हैंडल होता है ना यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है। सिंपली आप यहाँ से इसको ऐसे करके इसको मोबाइल को ऊपर लगा सकते हैं। ओह यस, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ से दबाएंगे तो ये बैक हो जाएगा, आपके मोबाइल पर खुद ही एडजस्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो दूसरा मोबाइल है ना, तो वो मैं भूल चुका हूँ शॉप पर ही, तो दैट्स वाई अब जो छोटा मोबाइल है उसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि यार ये मोबाइल अपनी जगह एडजस्ट करता है। तो यहाँ पर जो हमारी ये जगह है ना, तो यार ये तो मोबाइल ही बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, तो ये वाला मोबाइल नहीं लगेगा। होप्स हो कि ये जो जगह है ना मोबाइल की, ये फिट पकड़ ले इसको। प्राइस टैग किसकी बात करूँ यार, मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा है ये, 1500 के जो आसपास इसकी प्राइस टैग आ रही, काफ़ी ज़्यादा कह नहीं सकते, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंस लग रहा है, क्योंकि यार ये चीज़ जो है ना ये तकरीबन 800 के आसपास होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा कि इसकी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बोलूँ यार, मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा है लेकिन 1500 बहुत ज़्यादा है। तो ओवरनाइट शिपिंग मुझे आई है, मतलब कि कल मैंने ऑर्डर किया था, आज मुझे मिल चुका है। शिपिंग की 100% ज़बरदस्त के TCS के थ्रू उन्होंने एक ही दिन में मुझे शिप कर दिया कराची से, तो अच्छी चीज़ है भाई कि अपने कस्टमर को आपने जल्दी शिप किया। तो यहाँ पे आप इसको अटैच कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं अपने, मतलब कि इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, यहाँ पे आप इसको पीछे भी लगा सकते हैं, टूट ही ना जाए यार, यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर इसे शीशे से अटैच कर सकते हैं। यार ये इन्होंने आई थिंक सो गलत साइड लगा दी, ये फिर क्या यार, ये पीछे की साइड, इसे यहाँ से खुलना चाहिए था। तो अब इसको मैं लगाऊँ कहाँ पे, कैसे लगाऊँ इसे, मैं अटैच कैसे करूँ, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है यहाँ पर मोबाइल आ जाएगा। एंड अब इसे मैं यहाँ से अटैच कैसे करूँ, तो मतलब यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ होगी इस ऊपर करके इसके साथ ऐसे लगाऊँगा, तो इसका फ़ायदा क्या है फिर ज़्यादा, इसके मैंने यहाँ से इसे खींचा तो ये टूट भी सकता है, तो इसे मैं एक बार देख भी लूँगा कि यार क्या सीन है। स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग, यूज़र मैनुअल कोई नहीं दिया गया इसका, जैसे यहाँ पर इसका बताया गया है, सिंपली आप इसको यहाँ से अटैच कर सकते हैं और ऐसा कुछ कर सकते हैं। यार ज़्यादा इसका मुझे कोई फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा कि क्या सीन है, मुझे समझ भी इसकी नहीं आ रही कि ये, और जो बाकी स्टैंड होते हैं बिल्कुल सिंपल टू यूज़ होते हैं, सिंपल फंक्शन उसका होता है कि यहाँ पर आप, तो एक चीज़ की मुझे यहाँ पर अभी भी समझ आ चुकी है कि यहाँ से आप इसको मोबाइल अटैच करेंगे, मोबाइल अटैच करने के साथ आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, बस ये चीज़ मुझे यहाँ पर इसकी समझ आ रही है, बाकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही इसकी। और मेरे पास यहाँ पर स्टैंड है जो मैं साइड पर लगाता था, क्योंकि मोबाइल जो है अपना शॉप पर घूम रहे हैं, तो दैट्स वाई वो भी आ, ये साइड कैमरा भी नहीं है यहाँ पे, इसको साइड पर करते हैं, साइड के लिए ये चीज़ भी अच्छी है, वो भी अच्छी थी यार, वो तो मैंने तकरीबन 300 में ऑर्डर किया था और ये जो है ये 1500 में है, अल्लाह ही जाने मैंने क्यों ऑर्डर किया बट कर लिया। तो ये हमारी प्रोडक्ट थी यार, पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पर्सनली एक्सपीरियंस में 800 से अबव की चीज़ नहीं होनी चाहिए विद डिलीवरी, चलो डिलीवरी है 100 रुपये डिलीवरी करो, 900 से अबव ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही इसकी इतनी कैपेसिटी है कि 900 अबव जाए। तो हो सकता है कि डॉलर आजकल 210 पे जा रहे हैं, तो उस वजह से इन्होंने पुराना स्टॉक भी उठा के महंगा कर दिया, तो पाकिस्तान की रवायत रही है कि कुछ चीज़ महंगी हो जाए तो पुराने स्टॉक को अरबों के दाम बेचते हैं, अरबों के दाम मतलब के महंगा करके बेचते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट थी, 900 वाली प्रोडक्ट 1500 में मुझे मिली है कह सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट महंगी भी हुई हुई है बिहाइंड से, हो सकता है ये चाइना से आ रही हो, चाइना से इंपोर्ट भी बंद हुई हुई है, तो यार क्या बोलूँ मैं, कैसे बोलूँ, क्या कुछ बिहाइंड सीन, जब चीज़ें सोचता हूँ तो फिर सोचता हूँ यार 1500 जायज़ इसकी कीमत है, थोड़े टाइम महंगा भी लग रहा है क्योंकि यार 900 से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं हुई डिलीवरी। तो क्या कहें, ये हमारी प्रोडक्ट थी, होप्स हो कि अच्छा चलेगा और टूटेगा नहीं मुझसे जल्दी भी। तो बाय द वे प्लास्टिक जो है ना इसकी काफ़ी स्ट्रांग है यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है बट स्ट्रांग है। तो होप्स आपकी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो ये हमारी प्रोडक्ट थी आज की, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपने दोस्त याद रखिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। तो ये जो जगह यार मोबाइल जो है ना छोटा बहुत ज़्यादा